सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी वही है, धागा भी वही है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसा ऐसी दुर्घटना में वो ही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो, तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता दीपोत्तम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंत समय से पारा बाटा। अब ये बहुत अच्छी लंबी कहानी है, वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूँ कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था वो, बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो, दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयाँ लगी लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा, उसने अपनी फीस मांग ली, मुँह मांगी वह दे दी, उसने उसको विष दे दिया, किसको, छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही बहुत रोगी है, बीमार है काफ़ी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखें, गायें रखें, और बहुत ही चंद दिनों में वो 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद वह यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी और 1.5-2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। उसने पहले तो ये सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूँ जिसने तुझे विष से देकर मरवाया था, और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब, मैंने जो तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था वो 50% बिक चुकी है, कहाँ बिल्कुल बिक चुकी है, अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले।
अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की, अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर इन बातों से, इन इस ज्ञान को समझ कर। तो उसने कहा भी बिल्कुल, मैं महानीच आदमी था और मेरी पत्नी के साथ, मैं भी इसका इकली का दोष नहीं कहता, एक दो बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यस करनी पड़ेगी। और ठीक, अभी हमने जिस जैसा किया हमें यह सजा सही मिलगी और भगवान ने देनी चाहिए थी, हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंश लेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में, इस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया जो आज यह जिंदा जलाई जाएगी। तब उसने कहा कि वो लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। या आपके कब समझ में आएगी, क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहाँ बताया है कि जिनका संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो, सेवा तो आपकी आपके संस्कार ने करनी और करवानी है, भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई, अब घर ऐसा कोई नहीं, पिता माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवा सुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है, तो उस समय वो के सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते हैं, यह स्वाभाविक है, अपना होता वो भी से टिंडे दे हो, बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान मेरा संतान हो जाती, हे परमात्मा, वह भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नौकी नो, बता हे भगवान मेरे बच्चे ना पैदा हुए, और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत पत्नी वह बेटी बहन माई, आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांध कुआना हुआ पसंद नहीं करती, और वो तो जो हो गया उसका इलाज क्या है, अंत में वो इसी चिंता में इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है, मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका मजा आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं, सारा उम्र सेट पर टेक लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आवेगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले, कि वो मृत्यु के बाद वो भाई वो बहन जिस इस टेंशन में मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं, अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा कुतिया, और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी,
अकेले तो पूरी कर लिया अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट लिया पैदा करने की, और फिर अगले दिन में बनाओगा सूरी बारह बारह कट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा की इस एक एक वचन को सत मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान की दृष्टि में एक नंबर का आदमी है, वो दोनों आत्माएं। यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी, इतनी सी बात। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पर विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जा कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आँख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है, यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान कोई इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो तेरे घर आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा, एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं या कितने झाड़ फूकड़ा दौड़ धके खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए। वाले बेबे बहन अब और मांग लिया, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का बात भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं, और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ देगा, इसके तो अपने बच्चे भेजने प्राइम टाइम मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, यू सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा।